यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 टॉपिक्स है रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं कितने प्रकार की होती हैं? जनरली पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब संयोग करना, संयोग करने से जो अभिक्रिया बनती है उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर इसमें ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी एंड अपघटन एंड वियोजन, ठीक है, अब अपघटन रिडक्स अभिक्रिया वगैरह भी रहेंगे, परंतु ये मेन है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन, वियोजन, विस्थापन एंड द्विविस्थापन। तो इन पे चर्चा करनी है। तो पहला है जैसे कि हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब संयोजन अभिक्रिया के बारे में मेनली बता रहे हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद को एक भी कह सकते हैं, एकल मीन्स एक उत्पाद बनाते हैं। यानी दो या दो से अधिक का संयोग हुआ और एक नया तत्व बन जाता है। जो नया तत्व बन के प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। जो तत्व बन के प्राप्त हुआ उसको उत्पाद कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं या किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो एकल उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन मतलब संयोग से मिलकर बनने वाली समीकरण संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर जो अभिक्रिया बन रही है उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसके एग्जांपल्स लेने हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए थे, एक दो एग्जांपल, ये तो लैंग्वेज हो गया। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर CaO + H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं, ये था कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें मिलाएगा जल और ये बनना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये प्राप्त हुआ। तो ये दोनों जो हैं क्या थे? अभिकारक थे। अभिकारक कितने हैं? दो, एक ये और एक ये अभिकारक। और एकल उत्पाद प्राप्त हुआ, ठीक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल है C+O2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों ही क्या है? अभिकारक हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो प्राप्त होता है वो उत्पाद। ये उत्पाद क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद प्राप्त हो गया, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो भी एग्जांपल्स आएंगे कि वे अभिक्रियाएँ
जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2+O2=2H2O, ये दो अभिकारक हैं, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये बना है जल। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण कर रहे हैं, तो अभिकारक कितने हैं? दो। ये दोनों क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? जल है, यहाँ पे उत्पाद, ठीक। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।